खुशखबरी, अब आपके शहर डबवाली में भी पहली हाई डेफिनेशन आधुनिक सिटी स्कैन मशीन सेवा हुई उपलब्ध। हमारे यहाँ हर प्रकार के जैसे सिर, छाती और पेट का सिटी स्कैन व सिटी एंजियोग्राफी की सुविधा भी उपलब्ध है। और हाँ, एक्सीडेंटल व इमरजेंसी केसों में भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। हमारा पता है श्री बालाजी डायग्नोस्टिक, नज़दीक राज हॉस्पिटल, मंडी, किलियांवाली। नमस्कार, तेज हरियाणा से मैं गुरविंदर पन्नू। हम नगर परिषद चुनावों में हर आंकड़ों को आप तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं, खास करके उन लोगों के लिए जो इस चुनाव के बाद आंकड़ों में दिलचस्पी रखते हैं। आज इस सेगमेंट में हम विशेष तौर पर बातचीत करेंगे नगर परिषद के चुनाव में जेजेपी की भूमिका पर, और सबसे बड़ा विषय मेरा है जेजेपी के हार के 10 ऐसे बड़े कारण। वो कौन कौन से कारण रहे हैं जिसकी वजह से जननायक जनता पार्टी अपना परफॉर्म तो अच्छा कर पाई मगर अंजाम तक नहीं पहुंच पाई है। सबसे पहले हम जिक्र करते हैं परवीन सोनी को लेकर। ये जरूर कहा जा सकता है कि इस बार जेजेपी ने कैंडिडेट का चुनाव तो ठीक किया, जिसके ऊपर कोई भी दाग नहीं था, वो शराफत के रूप में देखा जा रहा था, वो ईमानदार छवि के रूप में देखा जा रहा था, वो चरित्र के तौर पर ठीक था। मगर सब कुछ होते हुए भी जेजेपी इस सत्ता के महासंग्राम में, इस मुकाबले में जीत दर्ज नहीं कर पाई है। हम आपको वन बाय वन जेजेपी के हार के जो कारण है आपको वो बताते हैं। सबसे बड़ा कारण है भाजपा का इस गठबंधन से किनारा करना, क्योंकि पहले दिन से ही ये खटास आ चुकी थी कि भाजपा के जिलाध्यक्ष ने मुखर होते हुए ये इस गठबंधन से अपने आप को दरकिनार कर लिया। उन्होंने साफ कहा था कि इस गठबंधन में हम अपने अपने बीजेपी के पार्षदों का साथ देंगे और किसी से हमारा कोई समझौता नहीं। यानी ये खटास आखिर तक इस पार्टी की जीत में सबसे बड़ी ब्रेक लगाती रही और वो ब्रेक लगाने में कामयाब रही। दूसरा हम कारण बताते हैं जेजेपी के लोकल नेतृत्व में जो कमांड देने में कह सकते हैं आप, या फिर शहर की इकाई जो लोकल नेतृत्व करने वाली थी उसकी कमजोर पकड़ होना। क्योंकि उस इकाई में जो मेरे सूत्र कहते हैं कुछ एक नेताओं को डबवाली की जनता ने पसंद नहीं किया, लेकिन उनका नेतृत्व इस चुनाव में कहीं ना कहीं जजपा को भारी पड़ा और उसका नुकसान है वो उठाना पड़ा। यानी कि लोकल लेवल के ऊपर जजपा की शहर की इकाई वो दबदबा, वो लोगों की नबज को नहीं पकड़ पाई जिसको लेकर इस बार जजपा मैदान में आना चाह रही थी। सबसे बड़ी बात है कैंडिडेट प्रवीण सोनी का कोई भी पर्सनल वोट बैंक नहीं था, क्योंकि उनके पास ऐसा कोई वोट बैंक नहीं था या फिर वो लंबे वक्त से लोगों के बीच में रहे हो। एकाएक ये कहा जा सकता है कि ऐन मौके पर उनको सिर्फ और सिर्फ हिट किया गया कि उनको टिकट दिया जा चुका है। सबसे बड़ा कारण ये भी है कि जेजेपी अपना उस लेवल पर प्रचार नहीं कर पाई जो होना चाहिए था, जिसमें सबसे मुख्य कारण चुनावों की बहुत जल्दी से घोषणा होना, यानी कि कैंडिडेट को प्रचार करने के लिए वक्त ही नहीं मिल पाया। उसको 10 दिनों के भीतर भीतर नॉमिनेशन से लेकर नामांकन वापसी से लेकर चुनाव चिन्ह से लेकर सब कुछ करना था, और इसी बीच में वो जनता की आवाज़ बनना चाहता था, लेकिन समय का अभाव इस चुनाव में हर पार्टी को रास नहीं आया। हर किसी की तरफ से बोला गया कि चुनाव में हमें वक्त नहीं मिला है। दूसरी सबसे बड़ी बात है पार्टी अपने 21 वार्डों में एमसी खड़े नहीं कर पाई है, जिस वजह से उनके पार्षदों के जरिए प्रवीण सोनी का प्रचार वार्डों तक नहीं पहुंच पाया, जिसमें वार्डों में ठीक से पैरवाई नहीं हो पाई। और अगर जहां भी अपने अपने पार्षद खड़े जेजेपी ने किए तो वो लोग साठ गांठ अपने तरीके से करते रहे, यानी कि नीचे का वोट खुद लिया, ऊपर का वोट किसी और को दिया। ये आरोप तो कांग्रेस ने भी लगाए हैं,
और इसको भाजपा भी कह रही है। यानी डायरेक्ट चेयरमैन का चुनाव होना कहीं ना कहीं एक सबसे बड़ी कमजोर कड़ी के रूप में देखा गया है कि जहां पर पार्षद भी अपने आप को सांठ गांठ करने में कामयाब रहे, लेकिन कुछ ही पार्षदों को सांठ गांठ करना महंगा पड़ा और उन्हें अपनी भी सीट गंवानी पड़ी है। सबसे बड़ी दिक्कत है वार्ड वाइज भाजपा के उन नेताओं तक भी जज्बा नहीं पहुंच पाई जिनके साथ उनको समर्थन में उनको विश्वास में लिया जा सकता था। वो वार्डों में बैठे लोग जज्बा के लिए प्रचार कर सकते थे, लेकिन जज्बा की वो लोभी भाजपा के उन कैदावर लोगों तक, उन कार्यकर्ताओं तक नहीं पहुंच पाई जहां पर पार्टी अपनी पैठ जमा सकती थी। अब आपको मैं वार्ड वाइज बताता हूं, अगर 5 वार्डों के ऊपर जज्बा ध्यान केंद्रित करती तो शायद संजीवनी मिल सकती थी। कमजोर वार्डों के तौर पर 20 नंबर वार्ड, 2, 8, 9 और 10, यहाँ से बहुत ही सम्मानजनक स्थिति के अंदर वोट जो पोल है वो जज्बा के खाते में हुआ है। यानी कि ये सीधे तौर पर कांग्रेस या फिर INLD के गढ़ के तौर पर देखे जाते थे और वहाँ पर कांग्रेस का दबदबा देखा गया या फिर INLD का दबदबा देखा गया, लेकिन जज्बा उन वोटरों तक सेल नहीं लगा पाई। लेकिन मजबूत स्थिति में जब साथ मिला जज्बा को तो वो सिर्फ 3 या 4 वार्ड थे जिनमें एक की बात करें, 5 नंबर वार्ड की बात करें, 6 नंबर वार्ड की बात करें और 21 नंबर वार्ड। आपको याद है जज्बा के कैंडिडेट प्रवीण सोनी ने इस चुनाव में 7693 मत हासिल किए हैं, INLD ने 9993 मत हासिल किए हैं, कांग्रेस ने 8395 और INLD के टेकचंद छाबड़ा ने 1558 मतों के साथ एक रिकॉर्ड जीत हासिल की है। तो यह हमने आपको बताया कि किस तरीके से जज्बा को अब मंथन करने की आवश्यकता है।